हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को जैसे पता होगा कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो सभी के घर में लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो आज जितनी भी चीज़ें मैंने ले रखी हैं, ये सब मैंने ले रखी हैं हेल्दी बाउल रेस्टोरेंट से, जो कि रिस्पना JSR पे ही है, JSR के अंदर ही है। तो मैं बता देता हूँ मेरे पास वहाँ से आज मैंने क्या क्या ले रखा है। मैंने ले रखा है साबुत दाना पुलाव, स्टफ्ड चीला, पोहा, वर्मिसले उपमा। दो चीज़ें मैंने घर में प्रिपेयर कर ली थी, वो थी पूरियाँ और आलू की सब्जी, जिसमें लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं हुआ है। और वहीं से हेल्दी बाउल से ही मैंने एक और चीज़ ली थी, पनीर बटर मसाला, और एक स्मूदी है, वो है डिटॉक्स ड्रिंक, ऐसा कुछ है ये। और इसमें आपको, यहाँ से आप ऑर्डर करोगे तो पहले ये स्विगी जोमैटो में थे, बट अभी नहीं है, बट बहुत जल्दी आपको स्विगी जोमैटो में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें आपका नाम भी मेंशन होगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आपको हर चीज़ की लिखी हुई रहेगी, मेंशन करी हुई रहेगी। और वीडियो शुरू करते हैं, इसे बाद में पियेंगे डिटॉक्स ड्रिंक को लास्ट में। पेप्सी ली हुई है, ये लेना बनता था। तो हम शुरू करते हैं पोहा से। इसमें बहुत सारी ब्रोकली, वेजी सब डाला हुआ है, पनीर डाला हुआ है और स्वीट कॉर्न डाले हुए। ऐसा कुछ है। मैंने पोहा खाए इससे पहले, बट नॉर्मल था, ये बहुत अल्टीमेट हो रहा है। एक चीज़ बताना भूल गया, दही भी ली हुई हमने, खा के आनंदा, ये घर में बनाई हुई थी पूरी। ये आपका पनीर बटर मसाला, जिसमें कि बिल्कुल भी प्याज और लहसुन यूज़ नहीं किया गया है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहा है। गजब टेस्ट है भाई। ये स्पून्स में जल्दी चेंज करने वाला हूँ। साबुत दाना देखो, स्पून में ले रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, हाथ से खाते हुए ज़्यादा ले लेता भाई। ये भी अल्टीमेट हो रहा है। साबुदाना जिस से गायब, जब भी खाओ तो ऐसा लगता है कि जेली जैसा फील आता है। दही पोहा के साथ बढ़िया जाएगी। ओए, मैं जूम शॉट कैसे दूं, ये बहुत हिल रहा है, जूम भी नहीं हुआ, ऐसे कुछ है। इसे मैं हाथ से खा सकता हूँ। अभी थोड़ी सी दही मिलाते हैं इसमें। मेरे को ऐसा लगता है और भी अच्छा हो जाएगा। गजब हो गया। मैं रेस्टोरेंट खुद से गया हुआ था चीज़ें लेने, बहुत सही एम्बियंस है, वहाँ जाके ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा। अब जैसे कि हर वीडियोस में होता है, थोड़ा सा जो हमने एडजस्टमेंट के लिए लगाया था वो चीज़ें सही से करके, वरना ये सब चीज़ें गिर जाएगी, गिर जाएगी। ये स्टफ्ड चीला, इसके अंदर दिखाता हूँ मैं, अंदर भी पूरी वेजीज भरी हुई है, बहुत सही है भाई।
ये आलू के गुटके, पहाड़ी लोग आलू के गुटके बोलते हैं, ये घर पे बनाया हुआ। मैं भली करके रेसिपी डालना भी शुरू कर दूँ। हाँ थोड़ी सी दही, थोड़ी ये दोनों तो ऐसी हैं कि जो मैं खुद ही पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। इसकी मैंने बस खीर खाई है साबूदाने की, वो बढ़िया रहा है दोस्त। इसमें आलू है, मटर है, मटर नहीं है, पनीर है, पीनट्स हैं, कॉर्न है, मैंने डाल दूंगा, अब थोड़ा खाने में आसानी हो जाएगी। पोहा में तो मजा आ गया भाई, जेली टाइप है ना तो हाथ से फिसल रहा है, जितना उठाना चाह रहा हूँ उतना आ नहीं रहा हाथ में। मैं एक ऐसी नई चीज़ जो मैंने पहली बार ट्राई की, बहुत सही भाई, अल्टीमेट हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आ पा रहा है सही से। क्यों ना ज़्यादा तीखा ना बना जाए, उसे सिखा लिया है। आज सारा का सारा हेल्दी फूड हो गया भाई, जो स्टफ चीला है ना वो ठंडा हो गया मेरी वजह से। मेरी लेट हो गई थी, भैया ने तो जल्दी पैक कर दिया था, मुझे उठाने में लेट हो गई वहाँ से, तो थोड़ा सुखा सुखा तो लग रहा है लेकिन टेस्ट अल्टीमेट हो रहा है। और रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात यह है, एक तो एम्बियंस बहुत अच्छा है, टेस्ट मैंने अभी तक ये किया बट लगता है कि और सब चीज़ें भी अल्टीमेट होती होंगी। और अगर आप जैसे वहाँ से ऑर्डर करते हो, डिलीवरी वो खुद कर देते हैं, जोमेटो स्विगी में नहीं है, आप फ़ोन में उन्हें ऑर्डर दे सकते हो, उनका मेन्यू सारा स्क्रीन में दे दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल सब कुछ दे दूँगा स्क्रीन में, आपको यहाँ कहीं दिख जाएगा, और इन सब के रेट भी उसी में बता दूँगा कि मेरे को कितने का क्या पड़ा। ये जल्द ही जोमेटो स्विगी में भी आने वाले हैं, और जल्दी भैया लोग स्मूदीज में बहुत वर्क कर रहे हैं, प्रोटीन स्मूदीज जो होती हैं, प्रोटीन शेक्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें बहुत लाइट है थे, ये पोहा और ये साबुदाना। और अब थी कमेंट की बारी, कमेंट पढ़ने के लिए लेट ना हो जाए। पहले के चार पांच कमेंट जो थे शुरुआत के, जो वीडियो के शुरुआत में आए थे, उन सबको उठाया। पहला कमेंट है शुभम कनोडिया भाई का, उनका कमेंट है कि विच प्रोडक्ट डू यू यूज टू सेट योर हेयर, प्लीज लेट मी नो, दे लुक रियली गुड। थैंक यू सो मच शुभम भाई, थैंक यू सो मच, आपको बाल अच्छे लगे। मैं करता हूँ उस तरह यूज, उस तरह का वैक्स यूज करता हूँ, और उसके बाद पहले मैं वैक्स ही वैक्स यूज करता था, वैसे जो डेली बेसिस में वैक्स भी यूज नहीं करता, पहले मैं वैक्स लगाता हूँ उसका स्प्रे कर देता हूँ हेयर स्प्रे। सिवैया आ गया भाई, सब में इतनी वेजीज है ना, और ऐसी हेल्दी हेल्दी वाली फीलिंग आ रही है, रेस्टोरेंट का नाम भी हेल्दी बाउल है भाई साहब, देख लो इसी के अंदर इतनी सारी वेजीज है ना, दो कमेंट थोड़े से सिमिलर थे तो मैं एक साथ स्क्रीन में दे दूंगा। केशवी थापा, हाउ यू मेंटेन योर हेल्थ इफ़ यू हैव एनी डाइट प्लान्स, और एक था कुणाल रनावरे भाई का, उनका था इतना ज़्यादा ऑयली एंड फास्ट फूड खाने के बाद स्किन और बॉडी का ख्याल कैसे रखते हो। नाइस क्वेश्चन, स्किन का ख्याल तो मैं ऐसे रखता हूँ कि मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाता, और कुछ भी नहीं है स्किन में ऐसा कि स्किन का ख्याल रखा जाए, लड़कियां बहुत रखती हैं लेकिन। और रही हेल्थ की बात, हेल्थ के लिए दो टाइम जिम जाता हूँ मैं, कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहता हूँ, मेरी दिन की 1500 कैलोरीज हैं। डाइट प्लान मेरा है, देखो अगर मैं बताऊँगा तो इसे अपने आप पे लागू मत कर लेना, बिकॉज ये मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से, मतलब मेरे को जो
अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मैं बताता हूँ। सुबह पहले मैं जिम जाता हूँ, फिर उसके बाद डाइट में है मेरी 3 स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट ब्रेड, 80 ग्राम्स ऑफ रॉ पनीर, 1 स्कूप प्रोटीन शेक, 10 से 12 आलमंड खा लेता हूँ मैं, पिस्ता खा लेता हूँ 10। ये ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 1 घंटे के डिफरेंस में मैं मौसमी का जूस पीता हूँ, 5 मौसमी का जूस, घर में खुद निकाल के, बाहर नहीं पीता बिकॉज वो बहुत स्वीटनर यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, तो घर पे जूस पी लेता हूँ। फिर उसके बाद दिन की डाइट, अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो इसलिए चिकन विकन इंक्लूड नहीं है। सोया चंक्स हैं 50 ग्राम्स, जिसे मैं 5 ग्राम घी में सॉटे कर लेता हूँ। दाल है उबली हुई और सब्जी, मतलब सब्जी दिन में तो नहीं है, दाल है उबली हुई। जिस दिन दाल नहीं होती उस दिन मैं 150 ग्राम स्पिनिच ले लेता हूँ या फिर कुछ भी हरी सब्जी ले लेता हूँ, और 150 ग्राम ही वीट, मतलब रोटी, रोटी के उस फॉर्म में ले लेता हूँ 150 ग्राम्स वीट। फिर उसके बाद जिम जाता हूँ, जिम में स्ट्रेंथ वर्कआउट करता हूँ, फिर HIIT करता हूँ, उसके बाद 1 स्कूप प्रोटीन विद 1 बन, या फिर बन नहीं हुआ तो 2 स्लाइस होल व्हीट ब्रेड के। कन्फ्यूज मत होना भाई, डाइट प्लान फॉलो करता हूँ तभी हो पाता है वरना नहीं हो पाता। और रात को वही दिन की दाल थोड़ी सी मैं ज़्यादा बनवा लेता हूँ मम्मी से कि वो रात को भी काम आ जाए वो, और पनीर मैं बेसिकली मैं फोटो डाल दूंगा अपना डाइट का, तुम बता भी नहीं पाओगे कि उसमें तेल डला भी है नहीं, उसमें तेल डलता ही नहीं है। सब्जी जो भी मेरी मम्मी बनाती है उसमें पानी में ही बनाती है, ठीक है, बॉईल करके, लेकिन उसमें मसाले वसाले डाल देती हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें तेल डला हुआ है। और मैं यहाँ इस सीन में नहीं फोटो डाल दूंगा, मेरे को रॉ पनीर खाना पसंद नहीं है, तो सुबह तो मैं रॉ पनीर खा लेता हूँ बिकॉज वो ब्रेड के उसमें होता है, लेकिन रॉ पनीर खाना पसंद नहीं है तो मैं 50 ग्राम्स पनीर को रोटी के अंदर भरवा लेता हूँ, 5 ग्राम घी, वैसे मैं 5 ग्राम से भी कम ही यूज़ करता हूँ बट मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है कि 5 ग्राम। और अगर आपको डाइट प्लान्स सीरियस हो इतना चाहिए डाइट प्लान्स, तो मैं अज्जू भैया की, मतलब मेरे कोच हैं, कोच साहब हैं जो मुझे एक्सरसाइजेस बताते हैं और कराते भी हैं, और मेरे डाइट डाइट प्लान भी उन्होंने ही सब चीज़ किया है मेरे लिए, तो उनको आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, उन्हें बहुत नॉलेज है। मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं बेसिकली अभी कॉमेंट देख रहा हूँ जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए थे, अब जो कमेंट है वो है पलक का, पलक अवि दयाल, तो उनका कमेंट है व्हाट यू डू अदर देन यूट्यूब, मेरी बैंकिंग की प्रेप चल रही है, ये करता हूँ यूट्यूब के अलावा, थोड़ा पढ़ता हूँ और थोड़ा सा यूट्यूब करता हूँ, तो ये सब है। गॉड फादर गेमिंग का, भाई Q&A वीडियो बनाओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके 10th पे कितनी परसेंटेज थी, लड़कों से उनकी सैलरी और शायद ये 10th और 12th की परसेंटेज नहीं पूछते ऐसा मैंने सुना था, बता रहा हूँ कितनी थी। ये भी बढ़िया हो रहा है भाई जो मम्मी ने बनाया। 10th में मेरी परसेंटेज थी .60%, 12th में मेरी परसेंटेज थी .60%। कभी भी मुझसे हाफ लिए फिर फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के नंबर मत पूछ लेना। और 11th क्लास की तो खासकर, जो जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे SGR रेस कोर्स में उन्हें पता होगा 11th में कितने कितने नंबर आए हैं लोगों के। एक कमेंट आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, इनका नाम बहुत ही ज़बरदस्त था और DP उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त, DP में फोकस मारना दोस्त। ये भी सेम ही है भाई, आप इतना सब कुछ खाते हो ऑयली फूड तो आप ऐसे जंक फूड कैसे डाइजेस्ट करते हो? डाइजेस्ट कैसे करता हूँ भाई, डाइजेस्ट तो हो जाता है। I mean, आपका डेली रूटीन नॉर्मली क्या रहता है प्लीज़ मुझे बताना। अरे मैं तो बेवकूफ़ बन गया यार, ये कमेंट तो वैसे ही है, इसका मैं आंसर दे चुका हूँ इससे पहले, बहुत लंबा आंसर दिया था। और नाम है इनका यस जॉनी भैया, मज़ा आ गया भाई। और एक पराठा बनवा रखा था मैंने घर पे, हमारे वहाँ ज़्यादातर ट्रेंगल शेप के ही पराठे बनते हैं। और हाँ जी, जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मैं यहाँ कहीं इंस्टाग्राम का हैंडल का स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो कर लेना। और बहुत जल्द हफ्ते में 2 वीडियो डालने वाले हैं हम। मेरी आँखों में नींद दिख रही है क्या? मुझे नींद आ रही है। इसमें लिखा तो है
7 grams प्रोटीन, बट पता नहीं कितने ग्राम है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, थोड़ा सा पनीर बटर मसाला, एक एक पीस। एक और बेहतरीन चीज़ दी गई है हमें, इसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, यह है डिटॉक्स ड्रिंक। इसमें मिक्स वेजीज हैं, वो बता रहे थे, डिटॉक्स ड्रिंक नाम है इसका। तो मैं ये बोल रहा था कि 2-3 वीडियो तक हम कंटिन्यू रखेंगे, फॉर्म में क्वेश्चन पूछना, हम आंसर देंगे, बात करेंगे, खाते खाते अच्छे से एक दूसरे को जान जाएंगे। ये है डिटॉक्स ड्रिंक, पहले ये देख लो। और अब तो ये नवरात्रि भी ख़त्म होने वाले हैं, अब खुल गया शायद। ओ भाई ऐसा कुछ है, और इस बॉटल को देख के मुझे केविंटर्स वहाँ जैसे बॉटल प्रोवाइड करते हैं ना वैसे ही, और आपको इसमें कैमरे में दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे मेरा नाम मेंशन है और इसमें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और इसका नाम बताया होगा कि क्या है। स्मूदी है ये, तो देखते हैं। अच्छा हो रहा है यार, मस्त हो रहा है। बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत हेल्दी चीजें हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को ट्राई करके, एक बार ट्राई करके देखना। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो के साथ, लेकिन कमेंट करना मत भूलना, 2-3 वीडियो तक हम आंसर देंगे आपके क्वेश्चनों का। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय।